वेलकम टू माई कार हेल्प लाइन। टाटा मोटर्स हैरियर को इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में लॉन्च करने के लिए बिल्कुल रेडी है। जो कार के इनिशियल फीलर्स है, द कार इज एब्सोल्यूट फैंटास्टिक टू ड्राइव इन। इट इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स टाटा मोटर्स हैज डेवलप्ड और इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में इट इज गोइंग टू एमर्ज एज अ बेंचमार्क। लेकिन आज का जो ब्रीफ सेशन है वो कुछ जरूरी बातें जानने के लिए हैरियर के बारे में, इफ यू आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट योर हार्ड एंड मनी। नंबर वन, इस कार के अंदर आपको जानिए 2 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन आता है विद 140 पीएस पावर एंड 350 न्यूटन मीटर टॉर्क इन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इन फ्रंट व्हील ड्राइव। बट हाउ अबाउट एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन? आई थिंक सर्टेनली एन मिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम टाटा मोटर्स। जब इस गाड़ी को वो लॉन्च कर रहे हैं इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बिल्कुल ऑफर कर सकते थे। हालांकि टाटा मोटर्स, ऐसा मुझे पता लगा है, दैट दे आर वर्किंग ऑन इंट्रोड्यूसिंग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इन द नियर फ्यूचर। आपको अगले 8 से 10 महीने में, हो सकता है और पहले भी, टाटा मोटर्स हैरियर में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेता हुआ इंडियन पैसेंजर का मार्केट लॉन्च करता हुआ दिखाई दे। बट एट अ टाइम ऑफ लॉन्च इट सर्टेनली इज ए मिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज हम इंडियन एक प्रोग्रेस कर रहे हैं मैनुअल से ऑटोमेटिक की तरफ। वी इंडियंस आर मूविंग टुवर्ड्स कन्वीनियंस वेक्टर और ऑटोमेटिक बिल्कुल एक मिस अपॉर्चुनिटी है। नंबर टू, हैरियर के बारे में ये चीज जानिए कि इस कार के अंदर बड़ा शॉकिंग है। आप सुनेंगे जिसकी गाड़ी की प्राइसिंग 16 लाख रुपए से लेके 21 लाख रुपए के बीच में आती है, इस कार में आपको मिलते हैं रियर में ब्रेक ड्रम। देयर इज नो डिस्क ब्रेक्स इन द रियर, ना ही कोई ऑटो डिमिंग IRBM मिरर आता है। आप अगर 21 लाख रुपए भी खर्च कर रहे हैं, यू विल गेट रियर में ब्रेकडाउन। आई थिंक सर्टेनली शॉकिंग है। एक मैन्युफैक्चरर जो इतना पायनियर कर रहा है कार की फीचर्स टेस्ट, वो रियर में ब्रेकडाउन दे रहा है इन अ प्रीमियम कार। नंबर थ्री, अब हैरियर के आप जानिए, हैरियर की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको सेफ्टी फीचर्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, EBD, ड्यूल एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। बट अगर आपके मन में है एडवांस सेफ्टी, यू वांट टू गेट साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, यू वांट टू गेट ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल लॉन्च असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, आपको चाहिए फुली लोडेड सेफ्टी, तो बॉस जान लीजिए उस केस में टाटा मोटर्स ने थोड़ी सी पार्शियलिटी करी है। ऐसा मुझे लगता है कि हैरियर के केवल टॉप एंड वर्जन में ही आपको ये सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। कैसे हो सकता है कि जो आदमी 16 लाख रुपए खर्च कर रहा है उसको हम बोले कि नहीं भैया, आपको एडवांस सेफ्टी नहीं मिलेंगी, अगर आपको एडवांस सेफ्टी चाहिए तो आप इसके टॉप एंड वर्जन में जाइए। आई थिंक इट सर्टेनली इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड स्लाइटली आई फील पिंच ऑफ सॉल्ट ऑल्सो, बिकॉज महिंद्रा भी ऐसा XUV500 में करता है, जीप भी कंपस में करता है। पता नहीं यहाँ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कब ये चीज़ स्टैंडर्ड करेंगे, कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ में बोलेगी मैन्युफैक्चरर्स को कि भैया सेफ्टी फीचर्स आप जो भी ऑफर कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी पेयर स्टैंडर्ड इन ईच एंड एवरी मॉडल ट्रिम। हाउ कैन यू जस्ट डिफरेंशिएट इट? नंबर फोर, अब देखिए हैरियर की जितनी भी आप USP देख रहे हैं, 8.8 इंच का टर्स स्किन फ्लोटिंग सिस्टम, 7 इंच का इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर, लेदर सीट आपको अपोस्टी मिलती है, आपको टेरेन रिस्पांस सिस्टम मिलता है जिसमें वेट मोड है, रफ मोड है, नॉर्मल मोड है, ये सारी चीजें टाटा मोटर्स ने हैरियर के केवल टॉप एंड वर्जन में ही दी है। इनफैक्ट 60:40 स्प्लिट रियर सीट इज ओनली अवेलेबल इन हैरियर XZ। अब आप हर चीज ही एडवांस सेफ्टी, जो इनका 8.8 इंच का टच स्क्रीन है, 7 इंच का डिस्ट्रीब्यूशन क्लस्टर है, हर चीज ही आप हैरियर के टॉप एंड वर्जन में रखेंगे, तो लोगों को लगेगा कि भैया जो इस कार के मेन USP, इट्स ओनली लिमिटेड टू टॉप एंड वर्जन। अब 9 स्पीकर वाला सिस्टम है JBL का हैरियर के XZ वर्जन में, उसके नीचे वाले वर्जन में 7 इंच का टच स्क्रीन आता है, फ्लोटिंग है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो है। इसके XT वर्जन में, XM में तो एंड्रॉइड ऑटो में नहीं है, लेकिन उसमें स्पीकर क्या है? आपने ब्रोशर में मेंशन किया JBL के स्पीकर, बट आई थिंक यू शुड हैव ऑल्सो मेंशन कि XM और XT में कौन से स्पीकर हैं। तो वो उससे क्या होता है, वो ब्रांडेड स्पीकर हैं JBL के, बट व्हाट इज अबाउट XM and XT? तो आई थिंक सर्टेनली थोड़ा सा एक पिंच लगता है। 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स ओनली इन हैरियर XZ। एंड लास्ट, हैरियर का जो ले जाते हैं XE मॉडल, द बेस मॉडल, 16 लाख रुपीज, उस केस में रिमोट सेंटर लॉक भी नहीं आता है गाड़ी के अंदर, कोई म्यूजिक सिस्टम आपको अवेलेबल नहीं है। तो जो 16 लाख रुपए खर्च कर रहा है रिमोट सेंटर लॉक म्यूजिक सिस्टम, तो ठीक है, मतलब सी एवरी मैन्युफैक्चरर हैज हिज ओन स्ट्रेटजी, बट मेरा पॉइंट ये था दैट यू शुड मेक एन इन्फॉर्म चॉइस इफ यू इन्वेस्टिंग योर हार्ड एंड मनी। सो ये था टाटा हैरियर के बारे में जरूरी चीजें। इन केस यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू अ वोट फॉर इट। चैनल बाय कर पे को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड वीडियो आगे जरूर शेयर करिए विद एनीवन कंसीडरिंग ऑल न्यू हैरियर फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स। थैंक यू।